देख लिया करो क्लियरिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी बाकी मैं सब में तो बता ही रहा कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई ये विच द बॉट फ्रॉम आउटसाइड हम क्या कर रहे हैं हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं अभी जैसे मान लो मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चरर है डिस्प्ले बाहर से बैटरी कहीं और से तो इसी तरीके से जो कंपोनेंट्स बाहर से खरीद रहे हैं इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम बना लें इसको इनका सोच चल रहा है ये अब सोच अगर पॉजिटिव एनपी आता है तो बोलेंगे भैया सही सोच रहे हो कर लो बना लो आप नेगेटिव आएगा तो भैया बाहर से ही खरीदो मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉम्पोनेंट वुड कॉल एन इन्वेस्टमेंट कहता है कि भैया जब हम खुद बनाएंगे ना तो साढ़े सात लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मतलब लग जाएगा आउटफ्लो इन अ न्यू मशीन बिसाइड इसके साथ साथ न्यू मशीन खरीदेंगे इसके साथ साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लगेगा कितने का पचास हजार इन वर्किंग कैपिटल कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर वर्किंग कैपिटल का क्या होगा क्या होगा आ गया वर्किंग कैपिटल द लाइफ ऑफ द मशीन टेन ईयर मशीनरी की लाइफ क्या है सर विद अलवेज वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लास्ट में स्क्रैप है द एस्टिमेटेड सेलवेज वुड be जो एस्टिमेटेड हमारा वैल्यू है कहता है द एस्टिमेटेड सैलवेज बिफोर टैक्स वुड बी वन एटी एक मिनट क्वेश्चन चेंज कैसे हो गया है अच्छा सेविंग है मैं वही गलत पढ़ रहा था सेविंग यानी आपका ई e जो पहले सेल्स वेल्स से निकालते थे ना क्वेश्चन देखो कितना आसान है वो निकाल के दे रहा है बोला भैया ज्यादा झंझट में मत करो प्रॉफिट दे रहे हैं डेप्रीसिएशनिएशन से कर लो एक लाख अस्सी हजार हर साल की इनकम है सर तो कितने साल इनकम होगी बताओ जितने साल मशीनरी की लाइफ उतने साल की इनकम याद रखना है आपको ये। द मशीन इनकम टैक्स कहता है पचास परसेंट रहेगा सर द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दस परसेंट यानी इन्फ्लेशन रेट है ये जो कि हम प्रजेंट वैल्यू निकालते हैं डेप्रिशिएशन प्रोवाइड स्ट्रेट लाइन बेसिस वैसे दूसरा तो ऑप्शन नहीं है सजेस्ट द फॉर्म वेदर इन्वेस्ट इन टू द मेड और नॉट बताइए इस मशीनरी को खरीद लिया जाए या बाहर से ही ले लिया जाए क्वेश्चन समझ में आया? यानी सर एक मशीनरी एक कॉम्पोनेंट से कोई भी मान लेते हैं ये पेन है मैं बाहर से खरीद रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार बाहर से खरीदने से अच्छा क्यों ना बना ले इस पेन को बनाने के लिए मुझे मशीन खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत है साढ़े सात लाख और साथ के साथ पचास हज़ार का हर साल का हर साल का खर्चा है एक बार का वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं बोला तो एक बार का आपका पचास हजार का खर्चा भी आएगा किसमें इन वर्किंग कैपिटल और जब हम ये काम करेंगे मशीनरी को लगाएंगे तो उससे मेरे कुछ पैसे बचेंगे बाहर से खरीदने की तुलना में बनाना हमारा क्या रहेगा सस्ता कितने रुपए बचा पाएंगे हम खुद बना के एक लाख अस्सी हजार ईच ईयर तो बताइए आपको ये मशीनरी खरीदना है या फिर नहीं खरीदना सिंपल से जवाब है सर अब सबसे मजे की बात इस क्वेश्चन में पता ही क्या है इनकम कॉन्स्टेंट है ईच ईयर में तो हमने एक बार अगर इनकम इनफ्लो निकाल लिया ना तो सब सब में काम आ जाएगा वो और जब ऐसा हो कि हर साल का इनफ्लो कांस्टेंट हो तो हम जो एनपीवी को है ना जीटी के थ्रू हम कर सकते हैं अभी देखेंगे तो सर मैं इनफ्लो निकाल लू क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन और मैं एक साल का इनफ्लो निकालूंगा दसों साल में वही काम आएगा शॉर्टकट मेथड से मैं कर लूंगा लॉन्ग कट मेथड आप घर पर ट्राई करेंगे चलिए सर कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो सर सेल्स कह रहा हूं मैं सेविंग जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहता है एक अस्सी ठीक है इसमें से माइनस करेंगे पहले हम टैक्स अब देखना कई बार कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रीशिएशन एक होता है प्रॉफिट दे दिया तो ऑब्वियस माइनस हो चुका होगा सर अगर ये बोलता ना आपको कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन तो हम अभी डेप भी माइनस करते हैं और ये क्या है आपका जमजन है इसको नोट में देना होगा तो सर टैक्स कितने का है सर यहां पे टैक्स यहां पे है फिफ्टी परसेंट दैट इज 90,000 थाउजेंड सर पचास परसेंट क्वेश्चन में ही है देख लीजिए आप सामने है क्वेश्चन आपके ये आ गया नाइन्टी थाउजेंड इसमें एड क्या कर देंगे सर ऐड कर देंगे डेप्रीशिएशन लेकिन डेप्रीशिएशन पता तो चले डेप्रीशिएशन क्या होता है सर कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ वही कहानी घूम फिर के सर कॉस्ट कितने की है मशीनरी की सात पचास माइनस में डिवाइडेड बाय तो सत्तर हजार तो आ गया हमारा एक लाख साठ हजार ईच ईयर का सर ये पहले साल भी यही रहेगा दूसरे साल भी यही रहेगा तीसरे साल भी यही रहेगा चौथे साल भी यही रहेगा और दसवें साल भी यही रहेगा इनफ्लो पता चल गया हमें अब इससे हम इसका क्या निकाल ले प्रजेंट वैल्यू और मशीनरी में कितना पैसा लगा और प्रजेंट वैल्यू को दोनों को कंपेयर कर लें तो बात बन जाएगी लेकिन पहले हम एक बार टर्मिनल आउटफ्लो क्योंकि यहाँ पर और इनफ्लो भी थोड़ा अलग होगा तो सर टर्मिनल आउटफ्लो निकाल लेते हैं या अगले पेज पे निकाल ले अगले पेज पे निकालेंगे सब कुछ नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं पहले निकालेंगे टर्मिनल टर्मिनल आउटफ्लो इसको कई बार आउटले भी कह देते हैं सर मशीनरी खरीदा कितने का खरीदा सात पचास सर वर्किंग कैपिटल भी जरूरत है तो प्लस वर्किंग कैपिटल कितने रुपए तो इनिशियल कह लो या टर्मिनल आउटफ्लो कह लो है टोटल आठ लाख रुपए का आउटफ्लो आ गया आठ लाख का अब सर ऐसा ही आपको निकालना चाहिए टर्मिनल इनफ्लो तो सर टर्मिनल इनफ्लो ये वाला पता है कब होगा जीरो ईयर में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा ये तो खर्चा और इनफ्लो जो होगा ये पता है कब होगा टेंथ ईयर में लास्ट साल ही तो बिकेगा ये तो सर स्क्रैप आएगा पचास हजार और साथ के साथ सर वर्किंग कैपिटल भी वापस पचास हजार टोटल कितने हो गए ये इनफ्लो है एक साल का इनफ्लो हमने निकाल लिया है चलिए सर कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो कब से कब तक वन टू टेन दस साल होगा सेम है और सर वो सेम कितना था दैट इज आपने निकाला था एक लाख साठ हजार रुपये एक लाख साठ हजार आपको निकालना है वैल्यू अब सर यहां पे फैक्टर का मतलब क्या होता है पता है जैसे मैंने एक बटे में चार प्लस तीन फैक्टर बोलते हैं सॉल्व करने को इसको यानी फ्रैक्शन वाले को बटे वाले को अपॉन वाले को सॉल्व करने को फैक्टर बोलते हैं जैसे मैंने ये कहा वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर टू क्या है फैक्टर तो प्रजेंट वैल्यू तो समझ में आया और फैक्टर कुछ इस तरीके से बन सकता है जैसे हमारा फैक्टर क्या बन रहा है वन प्लस में वन पॉइंट जीरो बन रहा है हर किसी का का फैक्टर एनयूटी मतलब होता है सबका जोड़ एनयूटी का मतलब क्या होता है सबका जोड़ टोटल फ्यूचर के अंदर तो सर मैंने यहां पे अगर ये वर्ड लिखा है ना तो आपको भी पता होना चाहिए इस वर्ड का मतलब क्या है तो यानी हम यहां पर निकालेंगे पीवीएफ कैसे लिखना है सर दस परसेंट का निकालेंगे और कितने साल का होगा सर दस परसेंट का दस साल का तो कैसे निकाले सर दस परसेंट का दस साल का सिंपल सा लॉजिक है फिर बताता हूं कुछ बच्चे कह रहे थे वन डिवाइडेड बाय रेट क्या है सर अगर आप रेट की बात करते हैं तो रेट मैंने क्वेश्चन में मेंशन था दस परसेंट है तो सर 10 परसेंट है तो वन तो आ गया वैसे ही रहेगा प्लस 10 परसेंट को हम 0.1 लिखेंगे कैलकुलेटर निकाल लीजिए वन डिवाइडेड बाय 1.1 पहले साल का आ गया इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करना है इसके बाद इक्वल टू इक्वल टू दस बार एक बार दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस साल का हो गया अब इन दस सालों को जोड़ने के लिए जीटी अब जिसके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता ठीक है अब जी टी यहां पर आ जाएगा देखा जाए तो सिक्स पॉइंट वन फोर फोर आ रहा है तो सर इससे जो इनफ्लो होगा क्या करें प्लस करेंगे मल्टीप्लाई क्या आया हमारा 98 एट ये तो निकल गया आगे वैसे ही पता चल रहा है ये तो यहां तक यह आया प्रजेंट वैल्यू इनफ्लो अब सर निकालेंगे टर्मिनल का टर्मिनल का प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि सर यह पैसा आपको जीरो ईयर में थोड़ी मिल तो इनफ्लो टर्मिनल से था हमारा एक लाख टर्मिनल से इनफ्लो कितने अब हमें निकालना पड़ेगा पी एफ सिर्फ एफ ए क्यू नहीं टोटल तो करेंगे नहीं पी एफ हम निकालेंगे टेन परसेंट का वो भी किसके लिए टेन के लिए इसका मतलब सर टेन परसेंट का दसवें साल का है इसका मतलब टेन परसेंट दस साल का जोड़ है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया सर ए आ गया ए का मतलब होता है एन और एनयूटी का मतलब क्या होता है जोड़ समझे बात आप तो यहां पे भी दस दस ही लिखा है मैंने सर लेकिन यहां पे क्या है दसवा साल है क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है यहां पे भी दस दस लिखा है आपके बुक में कई बार लिखा हुआ मिलेगा नोट्स वगैरह में देखोगे आप मैं दूंगा पीडीएफ वगैरह तो लिखा हुआ होता है कई बार किताब वगैरह में देखोगे कॉलेज के लाइब्रेरी के किताब वगैरह में अगर ढूंढोगे तो मिलेगा डेफिनेटली ठीक है तो सर अब दसवें साल का क्या लेंगे वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सर अब किस लिए भाई दसवें साल में जो आपको मिला है फिर से तो करोगे ना वन जीरो वन फिर से मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ये तो दस साल इनफ्लो वो था सेविंग वाला अब टर्मिनल एक लाख मिलेगा कब दस साल बाद लेकिन उसकी तो प्रजेंट वैल्यू निकालोगे ना प्रजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दसवें साल का थ्री पॉइंट थ्री एट फाइव है तो सर इसको मल्टीप्लाई करो पॉइंट ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी तरीके से मैं दिखाना चाहता हूं आपने इन सबका देखो इसका पांचवे साल का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला पांचवे साल का पीवी फैक्टर से तो सेम यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम सर दसवें साल का निकाल रहे हैं दसवें का पीवी फैक्टर तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जवाब क्या आएगा पता है अड़तीस पांच सौ अड़तीस पांच सौ बता दिया इन्होंने टोटल कर लेते हैं दस लाख इक्कीस हजार ठीक है अब क्या निकालें नेट परसेंट वैल्यू नेट परसेंट वैल्यू इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो सर इनफ्लो है टोटल दस लाख इक्कीस हजार सौ सर कितना निकाला था आठ लाख तो यानी हम पहुंच गए किसमें पॉजिटिव में दैट इज कितने आगे दो लाख इक्कीस हजार सौ चालीस पॉजिटिव तो पॉजिटिव एक रुपए क्यों ना आ जाए एक्सेप्टेड करना होगा ऐसा नहीं सोचना एक ही रुपए तो आ रहा देते हैं अगर बराबर भी आ जाए तब भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है जब नेगेटिव जाता है तब छोड़ा जाता है तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था बताइए हम बाहर से प्रोडक्ट ले रहे थे जब हमने अपना बनाना चालू करेंगे, करा नहीं है, करेंगे, तो अंदाजा है कि सर दो लाख इक्कीस हजार पांच सौ चालीस दस सालों में बचा लिया जाएगा लेबर वेबर सब लगा के बिजली बिल वगैरह सब लग गया इसमें तो हमें इन हाउस प्रोडक्शन कर लेना चाहिए यानी खुद बना लेना चाहिए या फिर बाहर से ही खरीदते रहे खुद बना लेना चाहिए हमें खुद मैन्युफैक्चर कर लेना चाहिए चलिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल उसका भी जवाब मिल गया यहां कि वर्किंग कैपिटल का क्या करा जाएगा अब किसका क्या डाउट है देखते हैं एक बार हाँ क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में नहीं, किसी का भी गलत नहीं है अजमसन अज्यूम दैट वहां भी अजमशन डाला होगा मैंने बस ये नोट डालना है वहां भी नोट डाला होगा बताइए मेन है समझ में आना चाहिए सर क्या मैं करने जा रहा हूं क्या बता रहा हूं एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलेगा एग्जाम में कोई नहीं वहां पे आपका दिमाग और एजम्सन काम करेगा मैंने क्या बोला कि हमने एजम्स क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर और ये तो अच्छी बात है कि आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाएगी वहां पे नोट जरूर डाला होगा नहीं डाला होगा तो डल जाएगा सर क्वेश्चन में क्या कहता है कि बिफोर टैक्स बता रहे हैं हम आपको और ये सेविंग है बिफोर टैक्स तो अब बिफोर टैक्स सेविंग हम अगर प्रॉफिट कंसीडर करें तो डेप माइनस हो चुका होगा ऐसा भी हो सकता है और डेप माइनस नहीं हुआ होगा ऐसा भी हो सकता है अभी ले रहे हैं डाउट ले रहे हैं चिंता मत करो और अगर डेप माइनस नहीं हुआ तो लो मैं साइड में कर देता हूं इसको आप जो एजम्पन लेंगे बच्चे देखिए कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो बोल रहे हैं सर आपने पहले वाले आंसर में क्या करा है यहां डेप माइनस करा है हां तो एजम्पन लिया है ना तो क्या होगा वन माइनस पहले 90 ये आ जाएगा 90 तो पहले डेप ही तो करा है डेप कितना था एक लाख था कितना था अच्छा सेवेंटी था सेवेंटी 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 माइनस करोगे सर आप आएगा एक दस फिर पचपन माइनस करोगे बचेगा पचपन इसमें सत्तर ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा एक पच्चीस आंसर पे क्या फर्क पड़ा है कुछ क्या रिजेक्ट हो गया एक्सेप्ट चलो कोई बात नहीं बाकी इससे कर लो हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या कहा अजम्सन यहां पे सेविंग कह रहा है सेविंग का क्लियरिटी नहीं है कि वो डेप्रीशन माइनस करके चल रहा है नहीं चल रहा है बस उसने बोल दिया बिफोर टैक्स तो देखो अजम्सन दोनों है जिस बच्चे ने इस हिसाब से क्वेश्चन किया और नोट डाला उसका भी सही जिसने इस हिसाब से किया नोट डाला उसका भी सही जिसने दोनों में से कोई किया नोट नहीं डाला तो एग्जामिनर उसमें नंबर काट सकता है चलिए कुछ बच्चों के अब डाउट ले लेते हैं लाइव क्लास के अंदर बड़े सारे चैट में डाउट आ गए हैं